नवरात्र पर्व के अवसर पर माता रानी का वाहन शेर बनने की परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन वर्तमान समय में यह परंपरा विलुप्त होती जा रही है। यही कारण है कि लुप्त प्राय इस परंपरा को जीवित रखने के लिए दमों का एक संगठन लगातार काम कर रहा है और इसी को लेकर संगठन द्वारा प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। दमोह जिले की समाज सेवी संस्था युवा जागृति मंच द्वारा शेर बनने वाले कलाकारों की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले भर की शेर बनने वाली मंडली शामिल होती है, जिनके द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। वहीं प्रतियोगिता के बाद पुरस्कारों का वितरण भी किया जाता है। देखिए, बुंदेलखंड की प्राचीन शेर नृत्य कला है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही थी। इसी को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य को लेकर युवा जागृति मंच के माध्यम से हमने विगत 12-15 वर्षों से इसका आयोजन शुरू किया है और लगातार ये जारी है। इसमें जिले की बहुत सी टीमें शामिल होती, चूँकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने सांकेतिक रूप से ये कार्यक्रम किया है और ये अपेक्षा है हमारी प्रशासन से भी, चूँकि इसमें कोई मदद हमें किसी प्रकार की नहीं मिलती है, तो इन कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृति विभाग या जो भी जिम्मेवार लोग हैं आगे आएँ, ताकि ये जो विलुप्त होती परंपरा है ये बची रहे और आगे इसी तरह बढ़ती रहे। मालूम हो कि बुंदेलखंड के अंचलों में शेर बनने की ये परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन काल के गाल में ये परंपरा भी अब समाती जा रही है। ऐसे में इस परंपरा को जीवित रखने के लिए इस संगठन के द्वारा हर वर्ष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये लोग दुर्गा पंडालों के साथ शहरी इलाकों में घूमते हैं, जहां पर उनको पुरस्कार के रूप में लोग धनराशि देकर सम्मानित भी करते हैं। वहीं इस वर्ष की प्रतियोगिता के आयोजन के अवसर पर स्थानीय विधायक भी शामिल हुए। उन्होंने जहां लोगों की इस कला का आनंद उठाते हुए सभी को पुरस्कृत किया। बिल्कुल, बुंदेलखंड की ये लोक कला है, जिसमें माँ दुर्गा के सामने हमारे विभिन्न अखाड़ों के शेर अपनी प्रस्तुति देते हैं और माँ के प्रति अपनी श्रद्धा और माँ के प्रति अपनी आस्था देते हैं। और मैं युवा जागृति मंच को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले 12 वर्ष से हमारी इस संस्कृति को जीवित रखे हैं और आज प्रस्ताव आया है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो अगले वर्ष इसको जिला स्तर का कार्यक्रम करेंगे और संस्कृति विभाग से इस कला को प्रदेश स्तर पर उठाएंगे, जिससे ये बुंदेलखंड की जो कला है, संस्कृति, पूरे भारत में पहुंच सके। जैसा कि अभी भाई विधायक राहुल भैया ने भी बताया कि पिछले 12 वर्षों से यह शेर नृत्य कला का आयोजन चल रहा है। भाई नितिन मिश्रा इसके सूत्राधार हैं और भी सभी साथी लोग हैं, और विशेषकर बात यह है कि यह आयोजन स्वर्गीय चंदू पाठक जी, जो कि दमों के खलीफा कहलाते थे, उनकी स्मृति में आयोजित है और यह आयोजन चलते रहेंगे। इस आयोजन से एक ये लाभ भी है कि बुंदेलखंड की जो परंपरा है शेर नृत्य की, अपनी माँ जगदम्बा की वह उपासना करते हैं, उनके सामने शेर नृत्य करके, क्योंकि माँ जगदम्बा की सवारी सिंह ही है, शेर ही है, इससे पूरे दमों के अंदर यह लोग अपना प्रदर्शन करके दमों की जनता को पुरानी यादों को ताज़ा कराते।